नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राकेश टिकैत के मोहरा बनने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को सामने देखकर कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद जैसे जिन दलों के चेहरे सूख रहे हैं, वो टिकैत की किसान महापंचायत के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। जेई मेंस परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की खबर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है, जहां जेई मेंस में छात्रों को बेहतर रैंकिंग दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी। इसमें बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी के साथ अन्य राज्यों के 200 से अधिक छात्र भी शामिल है। हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत हुई। प्रशासन ने इसको लेकर खास तैयारी पहले ही कर ली थी। लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट किया गया था। जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां सहित सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई, जिसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने बाजार से उधार लेने के मामले में बिहार सरकार को थोड़ी और रियायत दी है। अब सरकार राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 4.5% तक बाजार से उगाही कर सकती है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया गया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुए कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने गाना गाया। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के लिए दूरदर्शन श्रीनगर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद लोगों ने मुझे गाना गाने के लिए राजी किया। मैंने बिना तैयारी के गाया, पर आप इसका आनंद जरूर लें। सोनिया गांधी बिहार कांग्रेस के नेतृत्व का संकट जल्द समाप्त करने की उम्मीद जता रही हैं। बस ये विवाद सलट जाए कि आखिर किस खेमे के राम यानी कि अनुसूचित जाति को अध्यक्ष का आसन सौंपना है। कांग्रेस के बड़े नेता अनुसूचित जाति को नेतृत्व देने के पक्ष में हैं। किसान आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि हम लोग पहले से इसको लेकर बोल रहे हैं, यह कुछ इलाकों की समस्या है। केंद्र सरकार ने किसानों से कई बार बात की है, इसको लेकर केंद्र सरकार उचित कदम उठाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने हिंदू और मुसलमानों के पुरखों को एक ही बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि हर भारतीय नागरिक हिंदू। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत के बयान के बाद मायावती ने आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया है, अगर भारत में हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को गोद लिया हुआ क्यों समझती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार का कैबिनेट रैंक के पद पर कार्यकाल 2 साल का है। ज्ञात हो यह नियुक्ति राज्य की वित्तीय स्थिति पर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है, जो कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। चांदीवाल कमीशन ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। बता दें कमीशन ने 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही कमीशन ने महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो किसी सीनियर अधिकारी को इस वारंट को देने के लिए आदेशित करे। देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,222 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 290 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 42,942 लोग ठीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी मामले में स्वतंत्रता जांच को लेकर के मांग की है और याचिकाओं पर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए टाल दी है, जिसमें पेगासस जासूसी कांड की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल देश की पहली ऐसी जेल बनने जा रही है जिसका अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। खबर मिली है कि यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होने वाला है। इस महीने के अंत तक यह ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। यहां उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन कैदियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। केरल के लिए मंगलवार की सुबह राहत भरी खबर आई है। दरअसल निपा वायरस के कारण जान गंवाने वाले 12 वर्षीय बच्चे के करीबी संपर्क में आए लोगों की जांच रिपोर्ट में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि हुई है। 8 लोगों की जांच रिपोर्ट में कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से आज से 3 दिन के प्रदेश दौरे की शुरुआत कर चुके हैं, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी ने दी है। जहां ओवैसी आज अयोध्या जिले के रुदौली में स्थित सूफी संत शेख आलम मखदूम जदा की 18वीं शताब्दी में बनी दरगाह पर भी गए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और केंद्र सरकार को घेरते हुए यह कहा कि कश्मीर में सब सामान्य होने का दावा फर्जी है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों को लेकर चिंता जाहिर करती है।
योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की राहत दे दी है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हो गया है। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी नसीहत दी है। ओवल के मैदान पर भारतीय टीम को मिली जीत के बाद रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच बनाया गया। हालांकि मैच के बाद रोहित ने पारी में योगदान के बारे में जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पहली पारी में शार्दुल ने जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उससे मैच का मूवमेंट ही बदल गया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच करीब 1.5 साल से स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनरल वांग हेजियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड का नया कमांडर नियुक्त कर दिया है, जो भारत के साथ सीमाओं की देखरेख करता है। यह जानकारी चीनी सरकारी मीडिया ने दी है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के मौके पर दिल्ली को स्मॉग टावर की सौगात मिल गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। दिल्ली के आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उठती आवाजों से तालिबान बौखला गया है और प्रदर्शन करने वाले लोगों पर निशाना साधा है। AFP के रिपोर्ट में के अनुसार काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने खुलेआम हमला किया। इसमें कई लोगों को चोट भी आई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति मंगलवार को 100 अरब डॉलर को पार कर गई है। वो पहले भारतीय हैं जिनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमत में उछाल के कारण पिछले कुछ दिनों से अंबानी की कुल संपत्ति में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय सशस्त्र बलों को अब भगवद गीता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सिखाया जाएगा। इसके लिए बकायदा रिसर्च भी हो रही है और अनुमान है कि जल्द ही इसे सेना के सिलेबस में शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर के प्रवेश की बात स्वीकारी है। उन्होंने एक बार फिर से नागपुर में लॉकडाउन लगाने की बात कही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। उत्तराखंड में देहरादून रानी पोखरी ऋषिकेश को जोड़ने वाला टेम्पररी पुल सोमवार रात जाखड़ नदी के तेज बहाव में बह गया। पुल बहने के बाद ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। यहां से घूमकर जाने वालों को ज्यादा दूरी भी तय करनी पड़ रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में मांग की है। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के लिए 4 सप्ताह बाद कोविन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो कि स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं या वहां बस गए हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना काम हो जाने के बाद और जल्द ही उन्हें के वापस भारत आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने की खबर सामने आई है। देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने को लेकर अनुमान लगाया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, महेश सर, राजू राज, एजे स्टूडियो, दीपेंद्र कुमार, मोहम्मद नूर हसन, कुलदीप राज, सोनू कुमार, खान सर यूपीएससी, राज सिंह, विनोद कुमार, संतोष कुमार, दीपेंद्र कुमार, श्वेता कुमारी, किरण कुमारी, रिया वर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कई राज्यों में बढ़ रहे COVID-19 के मामलों को देखते हुए उन राज्यों में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।